आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। आगामी 21 सितंबर को इंदौर अभिभाषक संघ के बहुप्रतीक्षित चुनाव होने जा रहे हैं। कोरोना काल के कारण लगातार पिछले दो वर्षों से टल रहे चुनाव को लेकर इस बार उम्मीदवारों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रतिदिन अनेक उम्मीदवार अपने नामांकन फॉर्म निर्वाचन अधिकारी के समक्ष जमा करवा रहे हैं। सोमवार को कोर्ट परिसर में उस समय जय श्री राम के नारे गूंज उठे जब एडवोकेट श्री राम भदौरिया अपने साथियों के साथ इंदौर अभिभाषक संघ में सचिव पद के लिए नामांकन भरने पहुंचे। इस दौरान साथी वकीलों ने उत्साहपूर्वक नारे लगाते हुए एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम के उद्घोष से मतदाता वकील साथियों से श्री राम भदौरिया को सचिव पद के लिए चुनाव जिताने की अपील की। नामांकन के बाद एडवोकेट श्री राम भदौरिया ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मुझे वकील साथियों का मतरूपी आशीर्वाद प्राप्त होता है तो मैं इंदौर अभिभाषक संघ के माध्यम से वकीलों की सभी मूलभूत समस्याओं को दूर करने का पुरजोर प्रयास करूंगा। वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रिवेंशन एक्ट लागू कराने का भरसक प्रयास करूंगा। कोर्ट परिसर में या कहीं भी बाहर वकीलों को कोई भी समस्या हो, मैं हरदम उनके साथ खड़ा रहूंगा। आपको बता दें कि श्री राम भदौरिया ख्यात वकील होने के साथ ही हिंदुत्व के लिए भी पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं। आज श्री राम भदौरिया के नामांकन के दौरान युवा वकीलों में खासा उत्साह दिखाई दिया। इंदौर की ओर से सचिव पद का उम्मीदवार हूँ। वकील हित में सर्वप्रिय जो भी कार्य रहेंगे, वकील हित में सारे कार्य संपन्न करूँगा। वकील हित में जो भी समस्या है, बाहर की है, बाहर से लेकर के शहर में जो भी हमारे वकील भाई जहाँ जहाँ रहते हैं, तत्पर अगर उनका कोई आदेश आता है, मैं उनके लिए सेवा के लिए तत्पर तैयार रहूँगा। कोर्ट परिसर में जो कुछ अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है, इसको लेकर क्या मन में विचार है आपके? सर, व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं, उसको धीरे धीरे हल करने की कोशिश करेंगे। वकीलों को कई बार अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, धमकियां वगैरह भी मिलती है, इसको लेकर? जहाँ तक है सर, मैं वकील हित के लिए हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, और जो भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके लिए कोशिश करूँगा कि वो लागू हो। वकील हित में इंदौर के पद सचिव पद पर उम्मीदवार हूँ। मैं सब वकील भाई अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन करता हूँ, मेरे वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी से मेरा निवेदन है कि मुझे वोट के रूप में आशीर्वाद दें। यही मेरा निवेदन है, यही मेरा विनय है।